नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। मैं आपकी चैनल के माध्यम से तमाम मेरे कोट विस्तार के लोगों के साथ साथ पूरे अहमदाबाद और पूरे गुजरात के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे ऐसे वक्त में हमको तमाम लोगों को जो लॉकडाउन दिया गया है उसका सख्ती से हमको पालन करना चाहिए। ये लॉकडाउन से हमको ही फायदा है, हमारे बच्चों को ही फायदा है और अपने पड़ोसियों को ही फायदा है। ओके, जिस तरीके से ये महामारी फैली है और जिस तरीके से हमारे इलाके हैं वो कॉम्पैक्ट इलाके हैं, बिल्कुल करीब करीब और एकदम से आबादी बहुत ज़्यादा है हमारी, तो ऐसे वक्त के अंदर हम लोग अगर महामारी बढ़ती है तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में रहे और अपने बच्चों को भी घर में रखें ताकि जिससे ये महामारी जो बड़ी है उसके बढ़ने पे रोकथाम की जा सके। सरकार भी इसके लिए बहुत चिंतित है। मैंने अभी मुफ्ती कयूम साहब से भी बताया कि कल नायब मुख्यमंत्री का भी फ़ोन था, उन्होंने कहा कि बोले जिस तरीके से महामारी फैल रही है उसका लिस्ट देखो, तो लिस्ट में आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 60% से ज़्यादा लोग मुस्लिम समाज के इसमें आ रहे हैं। सरकार यहाँ तक भी सोच रही थी कि हम इस इलाकों में पुलिस को बोल करके कर्फ्यू इम्पोज कर दें, लेकिन नायब मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर मैं कर्फ्यू लगाता हूँ तो बात अभी ऐसी जाएगी कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को कर्फ्यू में डालने का एक षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बोले परेशानी ये है कि लिस्ट देखो, अखबारों में भी लिस्ट आए, उस लिस्ट के अंदर हमारी तादाद ज़्यादा आती जा रही है। हमारे ये इलाके में भी हमने देखा कि यहाँ पर भी कोरोना वायरस के केस आए, तो जब हमने हमारी मस्जिदें बंद कर दी, जब हम इतना सहकार दे रहे हैं कि हमने हमारा जुमा कुर्बान कर दिया, जब हम देख रहे हैं कि हमारा काबतुल्लाह के अंदर तवाफ बंद है, मदीने मुनव्वरा में सलाम पेश करना बंद है, तो कम से कम जब इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं तो ऐसे वक्त में अंदर एक कुर्बानी हम लोग ये भी दें कि हम लोग हमारे घरों में रहे और पूरा साथ सहकार हम लोग जो देंगे, तो मैं मानता हूँ कि इंशाल्लाह ये काबू बहुत जल्दी आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।